मेरी सहायता कीजिए माता। क्या हुआ देवराज? महासंकट छाया है मुझ पर। एक राह से मैं हाथ अचानक से आया और उसने मेरे पुत्र जयंत का हरण कर लिया और हम सब देवता मिलकर उसे रोक नहीं पाए। सूर्यदेव, किंतु सावधानी से इंद्रदेव, जयंत को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। आक्रमण! चाहिए इंद्रदेव, मैं इस हाथ को इस देह से ही विलग कर देता हूं। जो मेरे पुत्र को मुझसे छीन कर ले गया, कहां ढूंढूंगा मैं अपने पुत्र को? कहां ढूंढूंगा मैं उसे? मेरा पुत्र मुझसे छीन गया माता, और मेरी पुत्री देव सेना भी क्लानी से स्तब्ध, क्योंकि मेरी पुत्री ही मुझे उस स्थान पर लेकर गई थी जहां से जयंत का हरण हुआ था। माता कुछ कीजिए माता, क्योंकि इसके पीछे का मूल कारण मैं ही हूं। मैं ही इसका दोषी हूं माता, मैं ही इसका दोषी हूं। आप इसके दोषी कैसे हो सकते हैं इंद्रदेव? प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भाग लेना मेरी बहुत बड़ी भूल थी प्रभु, जिसका दंड आपको अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए मैं शाप देता हूँ, आपको इसका भयंकर परिणाम भुगतना होगा। समय आने पर आपका कोई अपना आपसे छिन जाएगा। करुणा प्रभु, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मैं आपका दोषी हूं, मुझे मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्षमा कर दीजिए मुझे। जिस प्रकार धनुष से निकला बाण नहीं लौटता, उसी प्रकार मेरे मुख से निकला हुआ श्राप भी नहीं लौट सकता। मैं इसके निवारण का मार्ग आपको बताता हूं कि जिस दिन ऐसा होगा और आप पे ये संकट छाएगा, तब कैलाश में ही आपको इस संकट से मुक्ति का उपाय मिलेगा। वो दिन आज ही है मत। एक अत्यंत मायावी शक्ति का प्रकोप हुआ है हम पर, हम देवता मिलकर भी कुछ न कर पाए, इसलिए मैं यहां कैलाश दौड़ा चला आया। माता, उस महामायावी शक्ति को केवल महादेव अथवा उन्हीं के समान ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्तित्व ही रोक सकता है। आप चिंता मत कीजिए देवराज, सब आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। आपके पुत्र जयंत का कोई अहित नहीं होगा। मैं देवराज इंद्र यह घोषणा करता हूं, जो भी महापराक्रमी योद्धा मेरे पुत्र को मेरे पास वापस लाएगा, मैं उसे अपनी पुत्री देवसेना के योग्य समझकर अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाऊंगा। वो सर्वशक्तिशाली महापराक्रमी योद्धा जो उस मायावी शक्ति को परास्त करेगा, वो दिव्य संपन्न व्यक्तित्व योद्धा ही मेरी पुत्री देवसेना की सुरक्षा कर सकता है।
तुमने उचित कहा था पुत्र। जो भी होता है उसके पीछे कोई उचित कारण अवश्य होता है, और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का भी यही कारण है। चिंता मत कीजिए देवराज, पिता श्री महादेव के समान सामर्थ्यवान तो समस्त संसार में एक ही हैं, भैया कार्तिकेय। जो शिवांश भी है और उनमें प्रभु शिव के समस्त गुण भी हैं, वो अवश्य आपके पुत्र जयंत को लौटा लाएंगे। हाँ पुत्र, कार्तिकेय बलशाली भी और देव सेनापति होने के नाते ये उसका कर्तव्य भी। यदि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय मेरे पुत्र को वापस ला सके तो मुझे अपनी पुत्री देवसेना का हाथ उनके हाथ में देने में अत्यंत हर्ष होगा। पुत्र गणेश, जाकर अपने अग्रज को कहो मुझे अभी उसकी आवश्यकता है। यहाँ इसी क्षण ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा माता। गणेश, तुम इतनी शीघ्र ही लौट आए, कहीं तुम्हें पुनः किसी ने कुछ समझा बुझा कर तो नहीं भेज दिया? भैया वो माता ने। मैंने कहा ना, मैं विवाह नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। नहीं भैया, मैं तो बस। मुझे ज्ञात है अनुज, तुम मुझे पूरी बात ना बताकर अपने शब्दों के जाल में फंसा कर यहाँ से ले जाने आए हो, है ना? इन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं इन्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ? यदि तुम चतुर हो तो मैं भी तुम्हारा भ्राता हूँ, वो भी ज्येष्ठ। तो मेरा एक निर्णय और सुन लो अनुज, ना विवाह और ना ही कुछ और, मैं मात्र अपने कर्तव्य पर स्थिर रहना चाहता हूँ। हाँ, उचित कहा देव सेनापति, आपके कर्तव्य के लिए ही तो आपको कैलाश जाना है। कैलाश? ऐसा कौन सा कर्तव्य है अनुज जो मैं कैलाश जाकर ही पूर्ण कर पाऊंगा? कहीं तुम पुनः मुझे अपने शब्दों के जाल में तो नहीं उलझा रहे हो? आप जानते हैं, आपकी भांति मैं भी कभी असत्य नहीं बोलता। देवराज इंद्र पर संकट छाया है। किंतु ऐसा कौन सा संकट है अनुज जो स्वयं विघ्नहर्ता गणेश नहीं हर सकते? आपको क्यों आना है ये तो आपको वही ज्ञात होगा। मुझे अभी भी ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है अनुज कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मैं तो माँ का आदेश सुनाने आया हूँ कि उन्होंने आपको यथाशीघ्र वहां बुलाया है, शीघ्र चलिए। क्या माता का आदेश है और वो भी यथाशीघ्र बुलाया है? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अनुज? वही प्रयास कर रहा था भैया। ठीक है, अब और कारण बताकर समय व्यर्थ मत करो। मयूर जी, माता के आदेश का अर्थ है जो भी है अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका विवाह उस महत्वपूर्ण कार्य का भाग है भैया। माँ का आदेश सचमुच महत्वपूर्ण है भैया, आप शीघ्र चल रहे हैं ना? मयूर जी, सेनापति कुमार कार्तिकेय, मेरी सहायता कीजिए उस अत्यंत शक्तिशाली मायावी दानव से, मेरे पुत्र जयंत की रक्षा कीजिए, जैसे हम सब देवता मिलकर भी नहीं रोक पाए। मैंने माता से भी कहा, यदि आप मेरे पुत्र को लौटा सके तो मैं अपनी पुत्री देव सेनापति है मेरे भैया, इसलिए आप सभी की रक्षा
उनका कार्य और कर्तव्य दोनों है, और माता का वचन तो भैया अवश्य रखेंगे देवराज। पुत्र कार्तिकेय, मैंने देवराज इंद्र को वचन दिया है। माता, आपके प्रत्येक वचन का मान रखना मेरा परम धर्म है। आपके मुख से जो भी शब्द निकले वो मेरे लिए स्वर्ण अक्षरों के समान समान, और ये आप भी जानती कि मैं उसे कदापि भंग होने नहीं दूंगा। देवराज, मेरी माता का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, इसीलिए आप अब निश्चिंत हो जाइए। आपका पुत्र जयंत जहां कहीं भी होगा, मैं उसे जीवित अवश्य लौटा लाऊंगा। चिंता करोगे तो अपनी ही चिता तैयार करोगे, क्योंकि तुम्हें यहां असुर सम्राट से बचाने कोई नहीं आ सकता। आपके आशीर्वाद से तो असंभव भी संभव हो जाता है। यदि वो दुष्ट जयंत को पाताल लोक भी ले गया हो तो मैं उसे वापस लाऊंगा, और जयंत का हरण करने वाले उस दुष्ट असुर को उचित दंड भी दूंगा। एक नहीं, अनेक दुष्ट पुत्र। और इनके पापों का घड़ा भर चुका है। इनका अंत ही तुम्हारे जन्म का मूल उद्देश्य है पुत्र, जिसे पूर्ण करने का अब समय आ गया है। संपूर्ण वंश कौन है ये? मैंने तो कभी नहीं सुना, कृपया विस्तार से बताइए पिताश्री। उचित है तो सुनो, इनके वंश की बेल असुर सम्राट असुरेंद्र और उसकी पत्नी मंगलाकेशी की पुत्री से आरंभ होती है, जिसका नाम है सुरासई को अपने माता पिता से बहुत प्रेम था, साथ ही अपार असुरी शक्तियों की स्वामिनी भी थी और उसे माया का ज्ञान भी था। एक दिन अचानक उसकी माता और उसे सूचना मिली कि उसके पिता असुरेंद्र देवासुर संग्राम में देवताओं से पराजित हो युद्ध भूमि में अंतिम श्वास ले रहे हैं। समाचार ने सुरासाई और उसकी आसुरी शक्ति को और भी भड़का दिया, जो अपनी मायावी ज्ञान का प्रयोग कर कोई भी रूप ले सकती थी।
पिताश्री। पिताश्री, ये कैसे हो गया? पिताश्री, आपकी पुत्री सुरासई आ गई है पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री, नेत्र खोलिए, देखिए आपकी शक्तिशाली पुत्री आ गई है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल होगा। पिताश्री एक बार अपने नेत्र खोलिए और मेरी ओर देखिए। पिताश्री, जिसने भी ये किया है उसे आपकी पुत्री की शक्तियों का भान ही नहीं है, उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। पिताश्री आप बस एक बार बताइए किसने किया ये दुस्साहस? पिताश्री, इंद्र देवता। पिताश्री, देवताओं, असुरेंद्र की मायावी शक्ति और उनके दिव्यास्त्रों का सामना करना इतना सहज नहीं है, विश्वास नहीं होता? तो कर लो सामना। असुरेंद्र, विश्वास तो तुम्हें नहीं हो रहा हम पर, हमने तुम्हारी सारी सेना का अंत कर दिया है। अति शीघ्र तुम्हारा अंत करने वाले हैं हम। छोटी सी सफलता पर इतने उत्साहित मत हो देवताओं, संभालो संभालो मेरे इस चक्र का प्रहार। सामना हम नहीं, अब तुम करोगे, तुम वो भी अपने अंत का। तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे प्राण पखेरु का उड़ना तो निश्चित ही है। तुम्हारा समय आ गया, तैयार हो जाओ असुर सम्राट, मृत्यु के पाश में बनने के लिए। कितना कष्ट हुआ पिताश्री को। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। देवताओं, आठ शिलों से मेरे पिता का अंत किया है ना तुम सबने, उचित है तुम सबको भी मैं आठ का ही पाठ पढ़ाऊंगी। मैं असुरेंद्र पुत्री सुरासई ये प्रण लेती हूँ, एक स्त्री होते हुए भी 108 वर्षों तक दंडित करूंगी मैं। बहुत पुरुषार्थ दिखाया है ना तुम देवताओं ने, तो अब एक स्त्री की शक्ति का बल देखना। 108 ब्रह्मांडों को रिक्त कर दूंगी तुम देवताओं से। 108 ब्रह्मांडों को रिक्त कर दूंगी।
यदि तुमने अभी आक्रमण किया तो तुम्हारा भी यही परिणाम होगा। सुरासई, अब उचित समय आ गया है तुम्हारी माया के ज्ञान के प्रयोग का। तुम्हारी प्रतिशोध की अग्नि तभी शांत होगी जब तुम स्वयं माया बन सबको दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन बना दो। देवता तो क्या, बड़े से बड़े धर्मात्मा ऋषि भी तुम्हारा भेद ना जान सके। तब तुम्हारे पुत्र एक ऐसे असुर वंश की स्थापना करेंगे जो देवताओं को भी अपने अधीन करने की क्षमता रखेंगे। तो बताओ, क्या तुम बन पाओगी ऐसी माया? असुर संग्राम जो असुरेंद्र की मृत्यु से संपन्न हुआ था, अब वो प्रतिशोध के संग्राम में परिवर्तित हो गया। सुरासई के हृदय में बस एक ही स्वर था, एक ही लक्ष्य था, प्रतिशोध और देवताओं का विनाश। पिता की चिता ने उसके क्रोध की ज्वाला को और भड़का दिया था। अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए सब कुछ करेगी माया। सुरासई, घृणा हिंसा का अति सूक्ष्म रूप है और हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं। सुरासई, अब तुम्हें उस असुरी वंश को जन्म देना है जिसकी दहाड़ के आगे सहस्त्र सिंहों की दहाड़ भी शून्य लगे। ये उसी सुरासई के शक्तिशाली पुत्र हैं जिन्होंने इंद्र के पुत्र का हरण किया है और अब देवताओं को भी बंदी बना रहे हैं।